हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपना मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट जो तुम्हारा यूनिट है 9.12, यानी कि कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? साथी हाथ बढ़ाना और कोऑर्डिनेशन दिखाना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द एफर्ट टू इंश्योर अ स्मूथ इंटरप्ले ऑफ द फंक्शन एंड फोर्स ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट्स पर्पस विल बी रियलाइज्ड विद अ मिनिमम ऑफ द फ्रिक्शन एंड अ मैक्सिमम ऑफ कोलैबोरेटिव इफेक्टिवनेस। तो बेसिकली बोल रहा है कोऑर्डिनेशन जो है वो हर फंक्शन हर डिपार्टमेंट के बीच में एक दूसरे के साथ रिश्ते बैठा के स्मूथ फ्लो करता है सारे वर्क का, जिससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है। इट मेक्स डाइवर्स एलिमेंट एंड सब सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क हार्मोनियसली मतलब हार्मनी के साथ, ठीक है, टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए हार्मनी के साथ काम करना सिखाता है हमको। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डर Lee pattern of group efforts among his subordinate and secure unity of action in the pursuit of common purpose. तो बोल रहा है coordination का definition finally हमको दे ही दिया है। Coordination is the process whereby executive develop करता है एक orderly pattern of group efforts among the subordinate and secure करता है unity। मतलब basically coordination का मतलब होता है unit, जिसमें सारे लोगों को इकट्ठा करके एक goal की तरफ एक दिशा की तरफ आगे लेके जाता है। Coordination is a conscious and rational process of pulling together the different parts of an organization and unifying them into a team to achieve predetermined goal in an effective manner. बोल रहा है सारे लोगों को एक साथ unity में लाता है ताकि predetermined goals को effective manner में achieve कर पाएं। According to Henry Fuel, to coordinate is to harmonize all the activity of an concern so as to facilitate its working and its success. तो बोल रहा है Henry Fuel ने ये definition दिया था जो अभी हमने पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हार्मनी क्रिएट करो ताकि हम इफेक्टिवली ग्रुप्स को गोल्स को अचीव कर पाए। इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड एंटरप्राइज ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन वर्क इन हार्मनी विद द अदर एंड फुलफिल इन्फॉर्मेशन द रोल। बोल रहा है एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट और सारे जो फंक्शन है वो एक साथ हार्मनी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन इन इज द ऑर्डिनरी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है, मतलब सिनर्जी क्रिएट करना ऑफ द सबऑर्डिनेट टू प्रोवाइड द प्रॉपर अमाउंट टाइम एंड क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन सो दैट यूनिफाइड एफर्ट्स, ठीक है। इट लीड्स टू द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नेमली ऑफ द कॉमन पर्सन ऑफ द इंडिविजुअल ब्लेंडिंग अंडर अ ग्रुप ऑफ द अचीवमेंट। वही सब दिया है जॉर्ज चेरी का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन हर जगह मिलना चाहिए। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हो तथा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम फंक्शनल देन से एंटायर प्रोसेस द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, लीडिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, कुछ भी कर लो, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। मतलब चाहिए मतलब मंजे मतलब तुरंत मतलब पहले मतलब जल्दी से भी पहले क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमको हर जगह चाहिए मतलब चाहिए, तो इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। इसको मार्क कर लेना, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। मैं पहले से हाईलाइट कर दिया हूं जो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, कोऑर्डिनेशन का पहला फीचर क्या है? इट इज इनहेरेंट। भैया इनहेरेंट मतलब चिपका हुआ, इनहेरेंट का हिंदी में अनुवाद होता है चिपका हुआ। तो कोऑर्डिनेशन इज अ इनहेरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब चिपका हुआ आता है, बाय वन गेट वन फ्री, मतलब हर मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की, मैनेजमेंट का फंक्शन करते टाइम उसको बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड बोल रहा है कॉन्शियस एंड कंसर्न्ड एक्शन बाय मैनेजमेंट। तो बोल रहा है कोऑर्डिनेशन है भी नहीं हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है बेटा, इट इज कॉन्शियस ऑन कंसर्न्ड एक्शन टेकिंग बाय मैनेजमेंट, मतलब सोच समझ के पूरे होशो हवास में प्लानिंग की जाती है कि कैसे चीजों को कोऑर्डिनेट किया जाए। इतना आसान नहीं है दो अलग अलग डिपार्टमेंट के दो अलग अलग दिमाग वाले दो अलग अलग एटीट्यूड वाले मैनेजर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव कराना, दिस इज नॉट सो इजी। तो कॉन्शियस डिसीजन है, ध्यान से लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ पर्पस फिक्सिंग द टाइम एंड मैनर ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। तो भाई यूनिटी सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन का फैक्टर क्या है? यूनिटी होनी चाहिए। और टाइम और मैनर किसको? काम को करने का फिक्स करता है कोऑर्डिनेशन कि कितने टाइम में होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन घुसा दो उस हिसाब से कितने टाइम में हो जाना चाहिए और मैनर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन फॉलो करना है तो देयर इज अ सिस्टमैटिक मैनर, देयर इज अ सिस्टमैटिक मैनर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन, और वो मैनर भी डिसाइड यहां पर करना पड़ता है। तो वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस है और डायनेमिक है। भाई कोऑर्डिनेशन करते रहना पड़ता है। तुमको क्या लगता है एक बार कोऑर्डिनेशन का पट्टी पढ़ा के आ गए इंप्लॉइज को और मैनेजर्स को तो लोग मानना चालू कर देंगे? ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तुमको उसके ऊपर कीन ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी और टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। प्लस इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो तुमको भी चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप एफर्ट्स नॉट इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। भाई कोऑर्डिनेशन किस बारे में बात करता है, तुम बताओ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही बंदा काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन लगेगा क्या? नहीं, अकेले काम कर रहा है, कहेगा कोऑर्डिनेशन। पर ऑर्गेनाइजेशन के 10 15 20 50 100 1000 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन नीडेड, बिकॉज ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ सिंक्रोनाइज करके एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, व्हाट इज वन डायरेक्शन, अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक की तरफ लेके जाना है, तो वहां कोऑर्डिनेशन लगेगा। और लास्टली रिकॉग्नाइज करता है डायवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड द नीड ऑफ फ्यूजन एंड सिंथेसिस। तो देखो बोल रहा है सबसे पहले डायवर्सिफाइड फंक्शंस को, और जो फंक्शंस आपस में इंटरडिपेंडेंट है। एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर। आपस में इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या फर्म सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा? नहीं, गोइंग कंसर्न वॉयलेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैनेजर को कोशिश करना चाहिए कि सारे फंक्शन सारे डिपार्टमेंट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाए। तो डायवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करता है, प्लस कैसे इन लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाए वो भी कौन बताता है? कोऑर्डिनेशन। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विच वी हैव डिस्कस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। तो लेट अस सी व्हाट दिस प्रिंसिपल wants to tell to us. Okay, according to this principle, coordination must start in an early age in the management process. बोल रहा है management process चालू हुआ उसके साथ coordination चालू हो जाता है, मतलब planning start हुआ, planning से ही coordination चालू, planning से ही coordination चालू, मतलब planning भी ऐसी करो कि coordination को ध्यान में रख के करो, ठीक है। फिर उसके बाद it must start during the planning stage. This will result in making the best plan and implement this plan with success. ठीक है। दूसरा बोल रहा है प्लानिंग ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब भाई कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूटी के साथ चलना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी ऑल नो दिस, अभी अभी पढ़ के आए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन मस्ट बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट मस्ट नॉट बी अ वन टाइम एक्टिविटी, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन मस्ट बिगिन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट, इट मस्ट कंटिन्यू अंटिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। तो बोल रहा है एक बार कोऑर्डिनेशन चालू हुआ कब? जब ऑर्गेनाइजेशन का नारियल फोड़े और ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किए, ठीक है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगी, और कब खत्म होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी, मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन है जब तक सूरज चांद रहेगा, कोऑर्डिनेशन का नाम रहेगा, तो जब तक फर्म रहेगी तब तक कोऑर्डिनेशन रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सारे मैनेजर्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल बोल रहा है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारे मैनेजर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए किसके साथ? सबऑर्डिनेट्स के साथ। सबऑर्डिनेट्स कौन? हमसे जो छोटे हैं, हमसे जो जूनियर है, उनके साथ क्या रहना चाहिए? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, विद देयर सबऑर्डिनेट। दिस विल रिजल्ट इन गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर और सबऑर्डिनेट। दिस इज बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। बोल रहा है अगर तुम डायरेक्टली उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहोगे तो एक तो रिश्ते मजबूत बनेंगे। रिश्ते कैसे बनेंगे? मजबूत। और इसके साथ तुम लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये सब में हेल्प भी करेगा, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन एंड डिस्प्यूट बिटवीन द मैनेजर सबऑर्डिनेट को कम करेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो उनका एटीट्यूड रहता है कि मैनेजर जो है उन लोग कोई काम नहीं करते, उनको पैसा मिलता है, और मैनेजर सोचता है कि सबऑर्डिनेट्स आर गुड फॉर नथिंग, ये सब जो एटीट्यूड है वो सब एटीट्यूड हट जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो बोल रहा है द डिसीजन एंड एक्शन ऑफ ऑल द पीपल, दैट इज ऑफ ऑल मैनेजर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटररिलेटेड। बोल रहा है पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी लोग हैं, आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो द डिसीजन एंड द एक्शन ऑफ वन पर्सन ऑफ डिपार्टमेंट विल अफेक्ट द अदर एंड डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है तो एक जन का डिसीजन बाकी लोगों को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो therefore, before taking any decision or action, all the manager must first find out the effect of that decision or action on the other person department or organization. तो बोल रहा है कोई भी decision लेने के पहले आपको simply उस decision का जो impact होगा वो अपने department को छोड़ के बाकी लोगों पे, बाकी departments पे क्या पड़ेगा उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। This is called the principle of reciprocal relationship. Coordination will be successful only if the principle of follow properly. बोल रहा है coordination तभी successful होगा जब ये principle follow होगा। Principle of effective communication. Coordination will be successful only in the presence of effective communication. Good communication must be present between all the department, with the employee themselves and the even manager and subordinate. बोल रहा है department to department, department to subordinate, manager to manager, जितने भी लोग आपस में एक साथ communication का part बनते हैं उन लोगों के बीच में effective communication होना चाहिए। What are the essentials of effective communication? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, where is it? ये रहा। These are the essentials of effective communication. ये हमने पिछले क्लास में already discuss कर लिया है, तो ये होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट इट्स क्लियर ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन तभी सक्सेसफुल हो जाएगा जब तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्लियर हैं।
Everyone in the organization must know the objective very clearly. No one must have any doubt about the objective of the organization. Clear objective can be achieved easily and quickly. तो बोल रहा है अगर तुम organization के goals objective clear हो, सबको clearly पता है कि हमको achieve क्या करना है, हमको target क्या करना है, हमको कहाँ पहुँचना है, ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से रास्ता ढूंढ ही लोगे. ठीक है, तो this is that's all for this communication. Now moving towards directing. डायरेक्टिंग के बारे में हमको बात करना है. तो डायरेक्टिंग होता क्या है? तो डायरेक्टली बेसिकली तुम लोगों को ऑर्डर देना है, तुमको डायरेक्ट करना है, तुमको लीडरशिप क्रिएट करनी है, तुमको सुपरवाइजरी वाला काम करना है. तो दैट इज डायरेक्टिंग, तुमको लोगों को रास्ता दिखाना है. तो दैट इज डायरेक्टिंग, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो. ठीक है, तो पढ़ते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग. इट इज द मैनेजर फंक्शन विच लिमिटेड्स ऑर्गेनाइजेशन एक्शन. डायरेक्टिंग इन्वॉल्व इशूइंग ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर. हाउ दीज ऑर्डर्स आर कैरिड आउट बाय देम एंड इट नेसेसरी मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड हेंस थ्रू अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली. तो बोल रहे डायरेक्टिंग मतलब होता है तुमको सामने इंसान को डायरेक्ट करना है कि वो अच्छे से अपना काम करे, ऑर्डर्स को फुलफिल करे, टारगेट्स को कंप्लीट करे. और अगर डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो आपको ही उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपना काम अच्छे से करे. तो बोल रहा है जोसेफ मैसी डायरेक्टिंग का डेफिनेशन बताते हैं कि डायरेक्टिंग कंसर्न्स द टोटल manner in which a manager influences the actions of subordinate. It is the final action of manager in getting order to act after the all the preparation have been completed. तो बोल रहा है directing का मतलब क्या होता है? Directing का मतलब होता है कि कैसे एक manager influence करता है अपने subordinate को काम करने के लिए, किसके लिए? Actions लेने के लिए. कैसे एक manager अपने subordinate को influence कर पाता है? That is directing. बाकी यहाँ पर बाकी authors के definition दिए, आप लोग study कर लोगे क्योंकि आपको भी पता है कि definition देखे author का नाम पूछता है. ठीक है, तो आप study कर लेना. इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग की एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो भाई कई इंपॉर्टेंस है, समझो मेरी बात को, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन वाली बात हो रही है. अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो प्लानिंग की, स्टाफिंग की, ये सब के बारे में. हम लोग पहले प्लानिंग किए, फिर हम लोग को लेके आए, अब लोगों से काम करवाने की बारी आई. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कितना अच्छा प्लान बना लो. काम सही से नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी क्या? ना. तो यही तो डायरेक्टिंग का काम है, काम करवाना. ठीक है, तो डायरेक्शन इज एन इन डिस्पेंसिबल मैनेजरियल फंक्शन बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन रिसोर्सेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट इट डील्स विद ह्यूमन रिलेशन सजेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉइज इन द एंटरप्राइज. बोल रहा है सबसे जरूरी इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन रिलेशन के साथ डील करना है जो कि बहुत डायनेमिक होते हैं. ह्यूमन जो एटीट्यूड होता है बहुत डायनेमिक होता है, तो ऐसे लोगों के साथ हमको यहाँ पर डील करना है. ह्यूमन इमोशन से हमको डील करना है, प्लस उन लोगों से हमको काम करवाना है. ठीक है, डायरेक्शन इज एंड मेंटेनिंग हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज एंड ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन. बोल रहा है हार्मनी मेंटेन करना जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का हेल्दी बिहेवियर यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है. इज द प्रोसेस अराउंड विच ऑल द अदर मैनेजर फंक्शन रिवॉल्व. बोल रहा है ऐसा प्रोसेस है जिसके आजू बाजू सारे मैनेजर फंक्शन घूमते फिरते रहते हैं. डायरेक्टिंग इज अ की टू न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो बोल रहा है डायरेक्टिंग इज अ की टू न्यूक्लियस. ओके, वन मार्क क्वेश्चन बना एमसीक्यू का. ठीक है, द इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर इंटीग्रेटेड ओनली थ्रू डायरेक्टिंग प्रोसेस. बोल रहा है सारे चीजों को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब आपस में मिलाना डायरेक्टिंग का काम है. दिस इंटीग्रेशन अचीव टू द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग विद कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप और सुपरविजन. इन सब के बारे में कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, मोटिवेशन अभी पढ़ेंगे, लीडरशिप अभी पढ़ेंगे, सुपरविजन भी पढ़ेंगे. तो ये सब किसका पार्ट है? डायरेक्टिंग का ही पार्ट है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में कुछ कुछ चर्चा हम करते हैं. पहला हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड, तीसरा डायरेक्ट सुपरविजन, अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल, उसके बाद है यूज ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक्स और फॉलो अप. ठीक है, तो ये हम लोगों को एक एक करके सबको पढ़ना है. तो पहला देखो, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग इज टू हार्मनाइज द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल विद दैट ऑफ एंटरप्राइज. तो बोल रहा है सबसे पहले, वैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले हेनरी फोल के प्रिंसिपल में, कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करने की कोशिश करो डायरेक्टिंग के अंदर. ठीक है, फिर अ मैनेजर शुड फॉस्टर द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ऑर्गेनाइजेशन अमंग द इंडिविजुअल ग्रुप्स, सी दैट द मेंबर्स आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड कंग्रुएंसेस and congruences may lead to ineffectiveness and inefficiency. तो देखो बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम एक employee organization के अंदर, तो वहां तुम्हारा sense of belongingness होना चाहिए. sense of belongingness कैसे होगा? जब manager कोशिश करेगा तुमको motivate करेगा, तुमसे decision making के time आके चीजों को consult करेगा, harmony के साथ काम करेगा, तुमसे positive behavior करेगा, तुमसे अच्छे से बात करेगा, तो automatically sense of belongingness आएगी ना, और उससे effectiveness और efficiency बढ़ेगी. और अगर तुम ये नहीं करते हो, इन कॉन्ग्रुएंसेस करते हो, तो इससे इनइफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसी आ जाएगी. मतलब अगर तुम ये सारी चीजें नहीं करते हो, तुम उनको इन्वॉल्व नहीं करते हो, तुम उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं क्रिएट कर पाते हो, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम तुम्हारे सामने अराइज होगी. तो सबसे पहले तुमको हार्मनी लानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसलिए तुमको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाना पड़ेगा. नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड.
Another sound principle of direction is that the subordinate should receive order from one and only one super boss. Presence of dual subordination inevitable because the chaos and disorder for receiving efficiency unit of direction should be followed strictly. तो बोल रहा है unity of command होना चाहिए और साथ साथ में unity of direction भी होना चाहिए. तो unity of command और unity of direction हम लोग Henry Ford के principle पढ़े हैं, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि तुमको order एक ही boss से मिलना चाहिए. अगर दो तीन boss से मिल रहा है तो तुमको बहाना मिल जाएगा काम से भगने का, ठीक है. फिर direct supervision. So when manager directly involved with supervising the employee, that is when he comes into personal contact with the employee, especially in the work-related areas, a sense of belonging that develop in the minds of employees, and this paves ways for escalated morale and making subordinate happy. Direct supervision also ensure quick feedback of the necessary information. Manager will get first-hand information from the employees through the face-to-face communication. So, बोल रहा है अगर manager directly जाके supervision का काम कर रहा है, तो सबसे पहली बात उसको तुरंत on the spot first-hand information मिल जाएगी. First-hand information क्या सीन चल रहा है organization के अंदर, क्या policy implement हुई कि नहीं, employee अच्छे से काम प्लस इंप्लॉइज को क्या लगेगा, इंप्लॉइज को लगेगा वाओ यार इतना हमारा मैनेजर है, पूरे पूरे जनरल मैनेजर है पूरे कंपनी का, और हमारे पास आके पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर्सनली हमको मोटिवेट कर रहे हैं. उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मोटिवेशन एस्केलेट होगा. एस्केलेट मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है. एस्केलेशन जानते हो ना, लिफ्ट एस्केलेटर जानते हो ना, जिसमें तुम सीढ़ी में चढ़ के मॉल में चढ़ते हो, ठीक है. तो एस्केलेट होगा उनका मॉरल, किसका, इंप्लॉइज का, ठीक है. तो ये एक अच्छा पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है. फिर उसके बाद है लीडरशिप, appropriate leadership. तो leadership is a process of influencing the employee in the work environment. तो leadership का मतलब क्या होता है, सामने वाले employee को या subordinate को तुमको influence करना है, तो वो leadership कहलाता है, जिससे वो तुमको follow up करे, जिससे वो तुमको follow up करे. A manager should exhibit appropriate leadership style to direct the employees to achieve the organization goals effectiveness. Leadership style is a function of characteristics leads characteristics of subordinate situation. तो बोल रहा है एक manager को ऐसा leadership style choose करना चाहिए जो कि organization में best suit हो रहा हो. Autocratic, participative, laissez-faire बहुत सारे होते हैं, तो उसको best choose करना चाहिए कि कौन सा उसके organization को fit बैठता है manager को, ठीक है. मोटिवेशनल टेक्निक्स का यूज करना, तो मैस्लो नी हायरार्की की थ्योरी ऐसे ऐसे करके बहुत सारी मोटिवेशनल टेक्निक्स आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन स्टेट दैट द मैनेजर शुड इंप्लॉय some motivational techniques such as pay, status, job enrichment, etc. so that the productivity and the quality of the commodity or service produced by the employees increase, motivation leads to higher job satisfaction. तो motivation के लिए उसको अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, जैसे वो उसको promotion दे दे या उनकी तारीफ कर दे, उनको reward दे दे या उनका salary बढ़ा दे, ऐसे में employee motivated रहता है, अपने काम के प्रति dedication दिखाता है. जैसे मैं अपने काम के प्रति dedication दिखाऊंगा, अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके मेरे को बताओगे तुमको मेरा काम कैसा लगता है. नेक्स्ट है फॉलो अप. The last but not the least important principle of direction is follow-up, because without such a follow-up, it is quite likely that the subordinate just receive order and do not follow them at all. तो अगर तुम follow-up नहीं करोगे, follow-up मतलब feedback लेना, checking करना जाके, ठीक है, proper checking करना, ये सब अगर तुम नहीं करोगे, तो ये हो सकता है कि without such a follow-up, it is quite likely that subordinate just receive order and do not follow it all. तो ये problem arise हो सकती है. तो follow-up करना यानी check करना, time to time जाके update लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसके साथ हमारा ये वाला पूरा पूरा chapter खत्म होता है basically, ठीक है. इसके अंदर answer the following question है, again theory भर के MCQ है और फिर इन द ब्लैंक्स है, सारे तुमको करने और सारे बन जाएंगे. मैं यही रेकमेंड करूंगा खुद से करो, क्योंकि मेरे को भी पता है फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ में तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो, आई नो यू गाइस, ठीक है. अगर तुमको स्पेसिफिकली किसी MCQ या फिलअप में डाउट रहेगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है. जल्दी जल्दी कोशिश करना कि चैप्टर को रिवाइज करो जल्दी से, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद कर लो, ठीक है. और फिर उसके बाद MCQ वगैरह तुम लोग कर लेना. मिलते तुम लोग से अगले वीडियो में विद अ फ्रेश चैप्टर, ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय.